नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वैस। तो वक्त हो गया उत्तराखंड बुलेटिन का, तो आइए रुख करते हैं उत्तराखंड की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में रोडवेज बस के यात्री अपने साथ 20 किलो और पर्वतीय मार्गों पर 25 किलो सामान अब निःशुल्क ले जा सकेंगे। इससे ज्यादा वजन होने पर उन्हें सामान के वजन के हिसाब से अतिरिक्त किराया देना होगा। इसके तहत घरेलू सामान जैसे अटैची, छोटा संदूक, बैग, बिस्तर के लिए 20 और 25 किलो निःशुल्क का नियम लागू होगा। विवाहिता प्रीति की हत्या के 4 साल बाद पुराने मामले में लक्सर के एडीजी कोर्ट ने मृतका के 2 सगे और एक ममेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी बहन के प्रेम विवाह करने से नाराज थे। शादी के 3 साल बाद उन्होंने माँ बाप के सुलह का झांसा देकर बहन को मामा के घर बुलाया था, वहां गंडासे से काटकर उसकी हत्या कर दी थी। 7 जून से गैरसैंण में विधानसभा सत्र की घोषणा की गई है। धामी सरकार के बजट पर सभी की निगाहें हैं। खास बात यह है कि बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम कर सीएम धामी ने लोगों से राय ली थी, जिसके बाद बजट को लेकर लोगों की उम्मीदें अब बढ़ गई हैं। बीते 24 घंटों में चारधाम यात्रा पर आए 7 तीर्थयात्रियों की हृदय गति रुकने से मौत हो गई है। चारधाम यात्रा में अब तक 56 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से 54 की मौत की वजह सिर्फ दिल का दौरा पड़ना पाया गया है। उत्तराखंड में अब पीले राशन कार्ड धारकों को जून 2022 से मार्च 2023 तक गेहूं की जगह चावल का वितरण किया जाएगा। भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अपर सचिव ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अभी पीले राशन कार्ड धारकों को 5 किलो गेहूं 8.60 रुपये प्रति किलो और 2.50 रुपये किलो चावल 11 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाता है। तो उत्तराखंड की आज की इन मुख्य खबरों में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ, क्योंकि जेजेएन न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।